नमस्कार आदाब, मैं हूं सईद अंसारी आपके साथ। आप देख रहे हैं मसीहा टीवी न्यूज़। मसीहा टीवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। भिवंडी में साइन बाग को हुए आज 11 दिन, हजारों की संख्या में आज भी महिलाओं ने धरना आंदोलन किया। आइए देखते हैं एक झलक। सवाल पूछो ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों से तो जवाब ही क्या आता है, कलम 370 उसको पूछो जीडीपी क्यों नीचे गिरी, बोले देश में घुसपैठिए घुस गए, एनसीआर एफटीआर। अच्छा उसको पूछो कि वो जो हमारा भाई जेएनयू से गायब हो गया वो कहाँ पे, तो उसे भारत माता की जय। उसको पूछो कि तबले इसको मारने वाले और ये पुलवामा के अंदर आरडीएक्स लगाने वाले लोग कौन थे, तो वो लोग बोलते कलम 370। ये जो 370 भारत माता की जय वंदे मातरम का ये जो खेल मैं टीवी पे देखता हूँ, तो मुझे आप लोगों को एक चीज याद दिलाता हूँ। आपने सब लोगों ने घर पर एक पिक्चर देखा होगा टीवी पे आती आपसे, उसका नाम है जुदाई। उसमें जॉनी लीवर है, अनिल कपूर है और वो हीरोइन भी है। वो जॉनी लीवर की औरत होती है गूंगी होती है गूंगी, उसको कुछ भी पूछो क्या बोलती है, अरे सब लोगों ने देखा है, उसको कुछ भी पूछो क्या बोलती है, अपा डपा चपा अपा डपा चपा। या अमित शाह नरेंद्र मोदी मुझे उसकी औरत ही दिखती है। मोदी जी ये देश की जीडीपी नीचे गिर गई है, इसकी क्या वजह है, 370 भारत माता की जय। मोदी जी ने 26 जनवरी को भाषण दिया, गांधी जी के पाठ पढ़ाए, महात्मा गांधी बापू थे। अरे भाई हमको मालूम है, जिनको मालूम नहीं उनको बोलो। 27 तारीख को भारतीय जनता पार्टी एक नेता ने अनुराग ठाकुर शायद उसका नाम है, उसने नारा लगाया और क्या कहा, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, नारा लगाया। ये नारा लगा आपने सबने सुना, टीवी पे देखा मोबाइल में देखा, और मैं इस नारे से इत्तेफाक रखता हूँ। मेरा यकीन नहीं है कहना है कि देश के गद्दारों को गोली मार दी है सालों को, हिंदू मार दी, मगर ये सबसे पहले तय करना पड़ेगा कि गद्दार कौन है। मैं बताता हूं आपको गद्दार कौन है। जब 1947 में पूरा हिंदुस्तान ये भारत ये तुम्हारा मेरा हमारा सबका वतन अंग्रेजों के खिलाफ में लड़ रहा था, तब जो अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे वो इस देश के गद्दार है, पहली गोली उनको मारी है, पहली गोली वो गद्दार है इस देश के। दूसरा वो कहते हैं कि कौन है गद्दार, मैं बता रहा हूँ आपको, मारिए गोली। जिन्होंने वो अंडमान के जेल में जब डाला तो देश को उन्होंने कहा कि टाइम ओवर का मेरे को मैसेज आया है, असल में टाइम तो मोदी जी का ओवर होने वाला है, तो मैं अपनी बात खत्म करूंगा। तो ये उन्होंने कहा कि ये देश के गद्दारों को गोली मारो, जो 6 बार अंग्रेजों की माफी मांगता है वो इस देश का गद्दार है, उसको भी गोली मारी है, उसके कपूतों को भी गोली मारी है, उसके बच्चे उनकी नाजायज औलादों को भी गोली मारी है, मार दी है गोली। दूसरी बात, जिन्होंने ये जो मेरा बच्चा है ये मेरा बेटा मेरी माँ का मेरी बहन का जिसका बेटा है वो तिरंगा जो फकर से लहरा रहा है, उन्होंने अपने हेड क्वार्टर पर तिरंगा नहीं लहराया, वो इस देश का गद्दार है, उनको बिल्कुल गोली मार दी है उनको। हम इस देश के नागरिक हैं, हम हिंदुस्तान के साथ हैं। मैं आपको छोटा सा वाक्य बताता हूँ कि हमारे उसकी उम्र 18 साल थी और उसका बाप 20 साल पहले मर गया, ये कैसे हुआ, बच्चा 18 साल का और बाप 20 साल पहले मर गया, ये कैसे हुआ। ये मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। तो साथियों ये जो 18 साल के बच्चे हैं, मैं अमित शाह साहब को बताना चाहता हूँ कि किसी के बच्चों को मत भेजिए आप गोली मारने के लिए, और वो जो उसका समर्थन कर रहे हैं वो मेरी हिंदू माँ बहनें सबको मैं बता देना चाहता हूँ
कि आपके बच्चे को आपने वहां पर बीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाकर पैसा कमाने के लिए लगाया और छोटे छोटे गरीब गरीब बच्चों को आपने उसके हाथ में बंदूक दे दी। ये जो नफरत की सियासत है ये खत्म हो जाएगी। और जिस तरह से हिटलर की मौत हुई थी उसने भी आपने खुदा होने पर बहुत नाज था, उसी तरह ये भी फांसी लेकर मरेंगे। और मैं आप सबकी तरफ से ये पैगाम